लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को सांगर क्षेत्र में कोरोना महामारी व अन्य कारणों से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के बीच पहुंचकर परिजनों का दुख दर्द बांटा। बिरला ने परिवारों को आश्वस्त किया कि वह हर समय उनके मदद के लिए तैयार खड़े हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सांगो तहसील के घानाहेड़ा, लक्ष्मीपुरा, सांगोद, कमोलर, खड़िया, बपौरकला, लटोरा, लटोरी, डूंगरपुर तथा मोयकला गांव में शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाया। इस दौरान बिरला ने सभी जगह कोरोना एवं अन्य कारणों से अपने को खोने वाले परिवारों के बीच पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया। सांगो क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष बिरला घानाहेड़ा गाँव पहुँचे। यहाँ उन्होंने मदन लाल पारेता व गोपाली भाई मेघवाल के निधन पर परिजनों के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी। लक्ष्मीपुरा में लोकसभा अध्यक्ष ने महावीर मेहता, भूलीबाई कुशवाहा व छीतालाल मेहता के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। सांगोद में लोकसभा अध्यक्ष बिरला कोरोना से हुई चंद्रप्रकाश माली की मौत पर परिजनों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक के बच्चों से भी वार्तालाप किया। बाद में उन्होंने गांधी चौराहे पर ही पार्वती देवी गोयल, महावीर नगर पूर्व पार्षद अरविंद चोरसिया एवं कुंदनपुर रोड पर मांगीलाल डोलिया के निधन पर उनके घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधवाया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि कोरोना काल में कई बच्चों के सिर से माँ तो किसी के सर से पिता का साया उठ गया। कई बच्चे इस कोरोना काल में अनाथ हो गए। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि ऐसे बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ऐसे परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जनों का आह्वान किया कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिन परिवारों को जीवन भर का दर्द दिया है, मानवता के नाते अब यह सब हम सबका सामूहिक दायित्व है कि ऐसे परिवारों की सहायता करें, उनके दुख दर्द में भागीदार बने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करें। इस दौरान कई जगह ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी लोकसभा अध्यक्ष बिरला को बताई। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता हीरालाल नागर, ओम मेहता समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बाद में उन्होंने भाजपा नेता जगदीश शर्मा के फार्म हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। कैसे उनके संकट के दूर को दूर कर सके, ये अभी की वर्तमान आवश्यकता। मैं पिछले दिनों कुछ बूंदी और कोटा जिले के कई गांव में गया हूं। इस परिवार में माता पिता दोनों चले गए, कई परिवार में जो एकमात्र सारे परिवार को चलाने वाला व्यक्ति था वो भी चला गया। कई के छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे कई परिवारों पर संकट आया। गाँव में देखा कई परिवार की स्थिति है कि जो सारी इनकम छोड़ के जो आजीविका कमाने वाला व्यक्ति था वो घर में है और कोई आजीविका का साधन भी नहीं। क्योंकि हमारे अधिकांश महिलाएं सामान्य घरेलू कामकाज में रहती है, इसके कारण सारी जिम्मेदारी पुरुष में रहती थी और पुरुष में होने के कारण व्यापार बिजनेस नौकरी। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।